ये देखो पूरा 33,000 का मिल रहा है यार। बहुत हैवी वाला सीन हो गया मेरे साथ। ये देखो इनके पैसों की हालत देखो जरा। तो नेशनल बैंक ने जवाब दे दिया जी वो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सहेलियो तो बिलियो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फिट एंड फाट हो गए। अभी सीन कुछ है कि अभी जा रहे हैं जरा एक बालटाउन तक, बालटाउन जाके थोड़ा सा काम है, वो को जाके बताता हूँ कि काम क्या है। वैसे थंबनेल देख के तुम लोग समझ तो गई हो गए कि काम क्या पड़ा है हमारे साथ। तो काम जो पड़ा है ना, सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है? मेहरबानी करो कुछ। पाकिस्तान में जो चीज़ें रह गई हैं ना, वो तो एक ही चीज़ें रह गई हैं, महंगाई हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है? इस टाइम पे भाई अखीर किस्म के बिल आए हुए हैं, टीसी रिक्शे में बैठेंगे औकात में रहो और आगे अब निकलना है। तो वो भी बड़ी हैवी किस्म की चढ़ी हुई है। ठीक बाल डाउन अब आगे वहाँ पे है एक बाल डाउन में नेशनल बैंक है, इधर पैसे वगैरह जो है जमा करवाने हैं। वहाँ पे भी पता नहीं लाइन कितनी लंबी चौड़ी होगी, समझ नहीं आ रहा। सीन जाके देखने पड़ेंगे वैसे क्या सीन है वो यार। 33,000 रुपया मिल रहा है कसम से, जनता माफ नहीं करेगी। दिमाग जो है ना वो घूम गया मेरा। पाकिस्तान में हर चीज़ को आग लगी हुई है इस टाइम पे। और यार सोचने वाली बात ही नहीं है कि जितना भी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजा है ना, ये बहुत हैवी वाला सीन हो गया मेरे साथ। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे, इतनी ज़्यादा यार मतलब 400 कुछ ही होना टैन, लेकिन 33,000 रुपया। बैंक तो पहुंच गए हैं बॉस, लेकिन वाशरूम नज़र नहीं आ रहा। ये ना हो गया खिड़की वगैरह बंद हो तो बाद में वो भी तमाशा है, वो तो बहुत टाइम लग जाना है। वो मेरे घर से इकबाल टाउन तक का भाईजान 60 रुपये किराया दे रहे हैं ये लोकल रिक्शा। पता नहीं की बनेगा पाकिस्तान का, इतने रोड़ा आ रहा है। छोटी बच्ची हो क्या? यहाँ पे होता होता है रश फिलहाल तो, मेरा ख्याल है खिड़की बंद है, पता नहीं अब देखो। थोड़ा मूड खराब कर दिया। हाँ खिड़की तो बंद है अभी, उधर जाके दूसरी साइड से पता करते हैं बैंक। लो जी पाकिस्तान का थकर तरीन बैंक नेशनल बैंक। बात तो सही है। बैंक ने जवाब दे दिया जी, वो कह रहे हैं कि हम लोग ना हमारी को मशीन वगैरह खराब हो गई है, हमारा सिस्टम खराब हुआ है, बिल हम जमा नहीं कर रहे क्योंकि आज लास्ट डेट है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ये भी बगैरती है इनकी। ये सामने वही है मिजान बैंक, इससे पता करते हैं अंदर। ये देखो पूरा 33,000 रुपया बिल है यार। लाल भैया मिजान बैंक वाले जो है ये तो कर रहे हैं बिल जमा, बाकी तो सारी नेशनल वालों ने तो बगैरती कर दी जो करने की। यार कितनी दूर से आए हो, उन्होंने आते ही सुना दिया भाई मशीन नहीं चल रही हमारी। अजीब लोग हैं यार। सुबह सुबह बगैर नाश्ते के 33,000 रुपये की पिटी चल के अब वापस घर जा रहे हैं। आर यू कॉमेडी मी? मिजान बैंक से हो गया फिलहाल जमा, और अभी दोबारा रिक्शे का वेट करते हैं। यार तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, वैसे मैं बड़ी मजे की है, मेरे साथ एक हैंड हुआ है अभी ताज़ा ताज़ा। यार बैंक है मिजान राइट, ठीक है, एक प्रॉपर ब्रांड है। इन्होंने ना मुझे चेंज दिया है, ये देखो इनके पैसों की हालत देखो जरा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तुम ये इनके हाल है मिजान बैंक के, यार एक 10 वाली कॉपी नहीं रखी हुई, देखो कड़कता पड़कते नोट दिए हैं मैंने, ठीक है, और ये इन्होंने मुझे चेंज दिया है, हालात चेक कर लो इनके। बाकी अभी वो रिक्शा आता है तो उस पर बैठ गया, फिर आगे निकलते हैं। अगर तुम लोग ये सोच तो रहे हो गए कि एकदम से दिन से शाम कैसे हो गई, रात कैसे हो गई, तो अभी सीन्स इस तरह के थे कि मेरा फ़ोन हो गया था स्टक, तो उसकी वजह से ना मैंने दोबारा व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो अभी यार शाम टाइम रात हो गई हुई है, तकरीबन मामा को हॉस्पिटल लेके आना था, तो डॉक्टर के पास चेकअप करवाना है। यहाँ पे है ना सलमा, डॉक्टर सलमा है इनके पास, तो अभी वो अंदर चले गए हैं चेकअप वगैरह करवाने के लिए। तो अभी बाकी देखते हैं, अभी अगर हमारे पास कोई और सीन होता है। सुबह 33,000 की फिटिंग तो मैं पड़ गई है, बाकी अभी नेक्स्ट जो भी सीन होगा अभी चलते हैं। तो अभी कुछ मज़ा हुआ मिलने को तो फिर वो भी दिखाता हूँ, नहीं तो फिर ब्लॉग फिलहाल इस तरह का ही है। आज दवाई ले ली है, अभी घर वापस शोर शोर आ रहा होगा मोटरसाइकिल का, अभी घर वापस जा रहे हैं। ये फिलहाल दवाई है, मेडिकल स्टोर से पता कर लीजिए कितने की दे रहे हैं, क्या स्वाद लाभ है, ये मेडिसिन चेक करने हैं। दवाई ले ली मैं, अब घर को और कुछ लेना हूँ बस, चलो बात चली। मांगवी मोटरसाइकिल पे शोफियाँ मारते हुए भाई जान घर आ चुके हैं हम, और अब चढ़ रहे हैं ऊपर। ऊपर कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अपने कमरे में। अच्छा बस फिलहाल ये हालात हुआ क्या थे, बेडरूम थे
क्या करना। हाँ हाँ गंद पड़ा हुआ, सारी गंद पड़ा हुआ है। अभी अभी बेगम ऊपर आएगी तो वो साफ सूफ कर लेगी, क्योंकि सारा दिन तो बेचारी नीचे होती है बच्चों के साथ, बच्चों को भी संभालना ये वो करना सारा कुछ उसी के ऊपर होता है, तो वो करती कुरती रहती है। वो भी ये रहा बेड, यहाँ पे मैं लम्बे पैन लगाऊ को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।